Hello everyone, in this video I am going to talking about the right answer, yani sahi jawab. ये एक small story है. इस story के माध्यम से हम आपको ये सिखाने वाले हैं how to read English, how to understand English and how to speak fluently. यानि आप ये सीखने वाले हैं कि आप English कैसे बोल सकते हैं, आप English को कैसे समझ सकते हैं और English को कैसे पढ़ते हैं ये भी समझने वाले हैं. सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आपको करने आना चाहिए, यानी जितने भी वर्ड हैं आप उसको वन बाय वन करके बोलिए, तभी आपका इंग्लिश स्पीकिंग इन्फ्लुएंसी बनेगा. और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप पढ़कर ही सीख सकते हैं, इसीलिए आपको छोटे छोटे स्टोरी, छोटे छोटे एसे, इन सभी को पढ़ना चाहिए. फिर उन सभी छोटे छोटे स्टोरी और ऐसे का समरी तैयार करना है, यानी उसको समराइज करना है, उसका छोटा ब्रीफ में आपको फिर से जो आपने पढ़ा है उसको कॉपी में जा करके लिखिए. तो इससे क्या होगा, आपका है आपका जो रिटन इंग्लिश है, यानी आपको इंग्लिश लिखने भी आ जाएगा. और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि इंग्लिश लिखने भी आना चाहिए, ये आपके करियर में बहुत लाभ देगा या लाभकारी सिद्ध होगा हम ये कहेंगे. तो चलिए सबसे पहले इस कहानी को पढ़ते हैं. ये कहानी आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग है ये समझिए. और ये इसका राइट आंसर, यही शीर्षक क्यों है, ये तो आप जानते हैं कि किसी भी कहानी का शीर्षक देने से पहले उसको उस कहानी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए. तो इसी राइट आंसर के इर्द गिर्द ही ये कहानी घूम रहा है. तो चलिए समझते हैं इस कहानी को और पढ़ने के लिए सीखते हैं. अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी बहुत समय पहले. अ लॉन्ग टाइम अगो का होता है बहुत समय पहले, अगो यानी पहले. देयर वॉज अ किंगडम, यानी यहाँ क्या था, एक किंगडम था. किंगडम यानी राज्य था, राजा का राज्य था, साम्राज्य जिसको हम कहते हैं किंगडम. द किंग ऑफ दैट किंगडम, उस किंगडम यानी उस साम्राज्य के राजा, हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर, यानी उसके पास एक बहुत ही सुंदर बेटी थी. ही वॉज लुकिंग फॉर अ सूटेबल, यानी ऐसा कि उसमें फिट हो सके, सूटेबल. ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है दुल्हा, यानी उस लड़की के लिए एक सूटेबल जचने वाला लड़की लड़का ढूंढ रहा था ये किंग यानी राजा. फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए. द किंग प्रोक्लेम्ड, वो जो राजा है उन्होंने घोषणा किया. प्रोक्लेम्ड यानी घोषणा किया, क्या घोषणा किया, हु ईवर, कोई भी, समझ रहे हैं, कोई भी हो सकता है, हु ईवर इन दिस किंगडम, इस साम्राज्य में कोई भी है, आंसर्स माई क्वेश्चंस करेक्टली विल गेट टू मैरी द प्रिंसेस, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यदि वो मेरे सवालों का जवाब करेक्टली यानी सही सही देता है तो हम उन्हें उनकी शादी कर देंगे. किससे, प्रिंसेस से यानी राजकुमारी से, ऐसा राजा ने घोषणा किया. अब आप ही देखिए, राजकुमारी शादी करने के लिए मिलेगा तो कौन व्यक्ति नहीं जाएगा, हर एक जाएगा. कह रहे नहीं जवाब दे पाएंगे, लेकिन जवाब तो देंगे, कम से कम सवाल तो जान जाएंगे कि सवाल क्या है. ठीक है, तो आगे सुनिए. द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज हु और का मतलब होता है या, हु और व्हाट मेक्स, मतलब व्हाट क्या, कौन या क्या, मेक्स पीपल क्राई, लोगों को क्राई यानी रोने पर मजबूर कर देता है, ये पूछ रहे हैं ये राजा. यानी उन जितने भी लोग आए हैं, जो लड़का था वो आए हैं, उन सभी से यही सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है या कौन है या क्या है जो लोगों को रोने पर मजबूर कर देता है, ऐसा सवाल है. नाउ, अब मैनी यंग मैन, कह रहा कि बहुत सारे यंग मैन, यहाँ पे एम ई एन मैन, ये है प्लुरल फॉर्म, बहुत सारे. कैम टू आंसर, आया किसके लिए, कैम टू आंसर देने के लिए. द क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे द का प्रयोग इसलिए हुआ कि उस क्वेश्चन जिसका जिसके बारे में हम पहले से बात करें, क्योंकि आप जानते हैं जिसके पहले द लगता है, हम जिसके बारे में जानते हैं उसके लिए द का प्रयोग होता है, तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसके लिए इसका प्रयोग हुआ है द का प्रयोग. बट नन ऑफ देम, कि लेकिन उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, कुड गिव सच एन आंसर,
कोई भी ऐसा आंसर नहीं दिया विच कुड सेटिस्फाई, जो कि विच कुड जो कि सेटिस्फाई कर सके यानी संतुष्ट कर सके, सेटिस्फाई द किंग। ऐसा किसी ने भी आंसर नहीं दे पाया जिससे राजा संतुष्ट हो सके, यानी राजा को जितने भी जवाब मिला उन जवाबों में से राजा को एक भी जवाब पसंद नहीं आया। द किंग गैव अप ऑल होप्स ऑफ गेटिंग द राइट आंसर। गैव अप, यहाँ पे गिव अप का भी टू लिखा हुआ गैव अप, और ये है एक फ्रेजल वर्ब, ठीक है, तो इसका मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। तो राजा ने होप, होप का मतलब होता है आशा, उम्मीद, जो इच्छा थी उनकी, जो वो चाहते थे आंसर सुनना, वो आंसर नहीं मिलने के कारण इतने सारे लोगों ने जवाब दिया तो लोग होता है निराश हो जाते हैं, तो राजा निराश हो गया, उनको अब कोई उम्मीद नहीं रहा कि कोई आंसर भी दे पाएगा, और उनकी बेटी के लिए लड़का भी नहीं मिल रहा है, तो उन्हें क्या हुई, निराशा हुई, इसीलिए उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दिया कि अब कोई आंसर नहीं दे पाएगा, ऐसा था उनको उम्मीद। जस्ट देन, क्राई की जस्ट देन, जैसे ही उन्होंने हॉप को छोड़ा उसके बाद ही जस्ट देन अ यंग फार्मर कैम टू द कोर्ट, ठीक है, एक यंग फार्मर, एक जवान फार्मर यानी किसान कैम टू आया, किसके लिए, कहाँ पे आया, तो कोर्ट यानी उनके दरबार में, कोर्ट मतलब आप न्यायालय नहीं समझिए, कोर्ट मतलब इनके दरबार में, राजा के दरबार को भी कोर्ट ही कहते हैं, यहाँ पे लिखा है कोर्ट। ही सैड यानी उस फार्मर ने कहा, ही सैड द आंसर इज रैन, आंसर क्या है, तो रैन है, यानी राइट आंसर क्या है, रैन है, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए कि कौन मजबूर कर देता है लोगों को रोने पर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, रैन। अब राजा ने पूछा कि कैसे कैसे कह सकते हो, द किंग आस्क्ड, कि राजा ने पूछा व्हाई डू यू से सो सो, ठीक है, सो का कई प्रयोग हैं, ठीक है, यहाँ पर होगा तुम ऐसा क्यों कह सकते हो, ऐसा तुम ऐसा क्यों कहते हो, ठीक है, और सो का प्रयोग अगर कहीं पे आपको जैसे लेकिन सो इसका मतलब इसीलिए, तो इसका प्रयोग ऐसे होता है, क्या कि व्हाई डू यू से सो, तुम ऐसा क्यों कह सकते हो कि रैन जो है मजबूर कर देता है लोगों को रोने पर, तब आंसर मिलता है द फार्मर रिप्लाइड, अब फार्मर ने जवाब दिया, ठीक है, क्राई कि इट मेक्स द फार्मर क्राई इन हैप्पीनेस, क्राई कि ये जो बारिश है ना ये लोगों को, ये जो फार्मर होते हैं उनको, वो जब खुश रहते हैं, हैप्पीनेस मतलब खुशी में, जब वो खुशी रहते हैं, जब खुश रहते हैं तब उसे रोने पर मजबूर कर देता है, कैसे, अब समझिए, क्राई कि एज हिज क्रॉप्स ग्रो वेल, यानी जब वो अपने खेतों में बीज डालते हैं, उससे पहले उन्हें पानी की जरूरत होती है, बारिश हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब वो खेतों में बीज डाल देते हैं, बीज डालने के बाद जब वो पौधे छोटे छोटे अंकुरण के रूप में बाहर निकलता ही है और उस वक्त बारिश हो जाती है, तो वो जो अंकुरण के ऊपर में जो मिट्टी थी वो मिट्टी हट जाता है और इस कारण से अच्छी फसल नहीं होती है और इस कारण से उन्हें बहुत निराशा होती है, ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्या करता है, रैन है, फार्मर को रोने पर मजबूर कर देता है। और आगे कह रहा है दूसरा, कह रहा है कि इट मेक्स द पॉटर क्राई एज ही नीड्स द सन टू ड्राई हिज पॉट्स, यानी बारिश के मौसम जो ये पॉटर क्या होता है, पॉटर पॉटर मीन्स वो कुम्हार, ठीक है, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, पॉटर यानी कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसे भी मजबूर कर देता है रोने पर, क्यों, क्योंकि पॉटर को चाहिए धूप, लेकिन बारिश के मौसम में धूप होता ही नहीं है, बारिश हुआ धूप नहीं होगा, इस कारण से पॉटर जो पॉट्स बनाए हैं, क्या बनाए हैं, पॉट्स, वो ड्राई नहीं होता, ड्राई में सूखता नहीं है क्योंकि धूप ही नहीं है, तो पॉटर को जरूरी है धूप की और वो सूख नहीं रहा है जिससे पॉटर मजबूरन उसे रोना पड़ता है या रोने पर ये मजबूर कर देता है, कौन, बारिश। आगे द हैप्पी किंग गॉट हिज डॉटर मैरिड टू द यंग फार्मर, अब राजा को इसके आंसर से संतुष्टि हुई और राजा खुश हो गए, द हैप्पी, राजा खुश हो गए, जब राजा खुश हो गए तो उन्होंने क्या पाया, वो जो फार्मर है ये फार्मर ही उनके बेटी के लिए सूटेबल है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम इनसे ही शादी करेंगे, तो उन्होंने खुशी खुशी ये बात एक्सेप्ट कर लिया, कौन, राजा। तो
आपने इस कहानी से क्या सीखा? आगे चलिए इनकी मॉरल को समझते हैं। मॉरल है, ऑलवेज कीप्स योर विट्स, विट्स मतलब है बुद्धि, अबाउट यू, यानी आप अपनी बुद्धि अपने, आप अपनी समझदारी ही लोगों को बताइए। यानी ये जो फार्मर था, किसी से चीटिंग नहीं किया, किसी से सुना नहीं था, किसी ने कहा नहीं था, इन्होंने जो देखा, जिन्होंने जो सच्चाई देखी, उन सच्चाई को ही उन्होंने बयान किया, इसीलिए इन्हें जीत मिली। दैट्स ऑल। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।